नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। चुनावी वर्ष का फायदा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ में इन दिनों पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव संघ के द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद नियमितीकरण के लिए एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए धरने पर बैठे सचिव संघ का कहना है कि काम बंद कलम बंद करके हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ में इससे पहले आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं, राजस्व और पटवारी संघ, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक संघ और अब रसोईया संघ भी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर पूरे जिले में बैठे हुए हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपनी मांगों को पूरा करवाने में अधिकतर आलो आंदोलनकारियों को सफलता मिली है। इस कड़ी में सचिव संघ और रसोईया संघ भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार खड़े हैं, जिसका लाभ इन्हें मिलने की संभावना को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन की ओर इनकी आवेदन प्रेषित है। हम सभी पंचायत सचिव जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं। ये सभी ब्लॉक मुख्यालय में अपने अपने ब्लॉकों में सचिव लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज 16 तारीख से प्रारंभ है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात शासकीकरण किया जाए, शासन जो है शासन का कर्मचारी हम बने, यही हम लोगों का मांग। उससे क्या लाभ होता है? उससे यही लाभ होगा, जो शासन के जो कर्मचारी हैं उनको जो शासन की ओर से जो सुविधाएं मिल रही है वो सभी सुविधा हम लोगों को भी प्राप्त होगा। अभी क्या वेतन मिलता है आप लोगों को? अभी हम लोगों को देखिए सीनियरिटी के आधार पर दिया जा रहा है। हम लोगों को अभी 39,900 कुछ ऐसे मिल रहा है जो 95 बेच के हैं, और जो 2011 बेच के हैं उन साथियों को वही 17-18 के लगभग उनका बनता है। जैसे जिला स्तर का कहने से हमारे जिलाध्यक्ष महोदय श्याम बिहारी चौहान हैं, जिले का नेतृत्व वो कर रहे हैं संघ का, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है अपने ब्लॉक इकाई में हम लोग धरने पर बैठे हैं।